आजकल Amazon पे काफी सारे ऐसे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं जो बजट सेगमेंट में होते हुए आपको काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही लैपटॉप लेके आया हूँ, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो यार वीडियो देखते रहो एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस लैपटॉप। सो लेट्स बिगिन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं एक ऐसा लैपटॉप लेके आया हूँ जो आता है एसूस की तरफ से, विच इज़ फ्रॉम द टफ गेमिंग कैटेगरी। एंड यार इसका मॉडल नंबर है FX505DY। एंड इस समय यह अमेजोन पर अवेलेबल है अबाउट 50 to 55,000 के बीच में। एंड आई कैन प्राउडली से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप्स आउट देयर ऑन अमेजोन एंड ऑन द ऑनलाइन मार्केट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसकी परफॉर्मेंस की, इसकी बिल्ड क्वालिटी की, एंड किस क्या क्या चीज़ें हैंडल कर सकता है, किस तरह से हैंडल करता है। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो बिल्ड क्वालिटी अगर देखा जाए तो इज मेड आउट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी प्लास्टिक। एंड अगर ऊपर देखा जाए, देखने में सबको लगेगा कि भाई ये कोई ऐसा स्टील का फिनिश है, बट ऐसा नहीं है, वो सिर्फ लुक दिया है। हालांकि है गुड क्वालिटी प्लास्टिक, ऊपर ब्रश स्टील फिनिश दिया हुआ है विच लुक्स प्रिटी गुड एक्चुअली। फिर ऊपर एक्स डिज़ाइन दिया हुआ है विच दे कॉल इट एज रेडिएटिंग एक्स डिज़ाइन। सो एसूस का तरफ से ये नई चीज़ लाए हैं जो ये लोग सारे लैपटॉप्स में इस समय अप्लाई कर रहे हैं। सर काफ़ी सही चीज़ और उसका डिज़ाइन भी काफ़ी इंप्रूव कर देता है। अब अगर बात करें इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो ज़्यादा कुछ मैं ये नहीं कहूँगा बहुत इंप्रेसिव अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन यार मैं कहूँगा काफ़ी एवरेज था। तो जिस बॉक्स में ये आता है वो कुछ इस टाइप का लगता है, इस तरह का कार्डबोर्ड बॉक्स जिसमें ब्रांडिंग की गई है एसूस एंड टफ गेमिंग की। एंड पीछे ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं है, जस्ट सम डिटेल्स। तो यार बॉक्स इतना कुछ खास नहीं था, आई जस्ट शो यू व्हाट एल्स वी गॉट इन द बॉक्स। तो सबसे पहले हमें एक मिलता है एक पावर केबल, एंड एक्चुअली इट्स रियली गुड क्वालिटी वन। उसके बाद हमें जो सेकेंड चीज़ मिलती है दैट इज़ द पावर सप्लाई हियर, द अडैप्टर यू कैन कॉल इट, ये रहा। एंड इस पर भी एसूस की ब्रांडिंग दी हुई है, सो दैट्स प्रीटी गुड। एंड लास्ट चीज वी गेट इज अ लैपटॉप। अब अगर बात करें इसमें एक्सेसिबिलिटी एंड पोर्ट्स की, तो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग पोर्ट्स आते हैं, जैसे ईथरनेट का पोर्ट है, एंड देन देर आर 3 USB पोर्ट्स एज वेल अवेलेबल। एंड उसके बाद HDMI आउट का पोर्ट तो अवेलेबल होता ही है, एंड अनदर 3.5 mm जैक जो सब में होता ही होता है। अगर बात करें तो इसकी रैम की, तो इसमें 8 GB रैम अवेलेबल है। एंड अगर बात करें इंटरनल स्टोरेज की, तो 1 TB इंटरनल स्टोरेज फ्रॉम HDD इज़ ऑल्सो अवेलेबल। एंड अगर आपको फ्यूचर में कभी लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस लो हो रही है, तो बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें एक्स्ट्रा रैम स्टिक्स की अवेलेबिलिटी भी है। तो अगर लो हो रही है तो आप एक्स्ट्रा रैम स्टिक्स ऐड करवा सकते हैं। अब अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो हमको इसमें मिलता है 15.6 inch का फुल HD डिस्प्ले, जिसमें हमको काफ़ी अच्छे कलर्स भी मिल जाते हैं। सो आई वुड से एडिटिंग एंड उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रह सकता है। मेरे को पता है काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अगर गेमिंग लैपटॉप की बात हो रही है तो लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि भाई वेट कितना होगा, क्योंकि यूजुअली गेमिंग लैपटॉप्स आर वेरी हैवी। लेकिन यार मैं सच कहूँगा ये बहुत भारी भी नहीं है, जस्ट कम्स अराउंड 2.2 kgs। सो यार दैट्स प्रीटी नॉर्मल आई गेस। अब अगर बात करें इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें यूज़ किया गया पूरा राइजन बिल्ड है ये, क्योंकि इसमें प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड दोनों राइजन की तरफ से आता है। तो अगर बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें है राइजन 5 का 3550, विच इज़ एक्चुअली प्रिटी गुड प्रोसेसर टू अकम्पनी द ग्राफिक कार्ड फॉर गेमिंग पर्पजेज। एंड अगर बात करें अब इसके ग्राफिक कार्ड सी, तो आता है रेडियन RX 560X, जो एक 4 GB का वेरियंट है। सो दैट्स अ प्रिटी गुड कॉम्बो फॉर गेमिंग एक्सपीरियंस। अगर देखा जाए, मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ ये लगती है कि यहाँ पे 3 indicators दिए हुए हैं, तो अगर लैपटॉप खुला होगा फिर भी विजिबल होंगे, एंड अगर बंद भी होगा फिर भी विजिबल होंगे। सो विच इज़ अवेलेबल ऑन द टॉप ऑफ द लैपटॉप, एंड आई थिंक दैट्स अ रियली गुड फीचर। तो में भी दो स्टाइल्स आते हैं, एक आता है गोल्डन कलर का एंड दूसरा आता है रेड कलर का। मैंने पर्सनली रेड इसलिए चूज़ किया बिकॉज दैट जस्ट गिव्स अ गुड फील टू द गेमिंग एक्सपीरियंस आउट देयर। अब अगर बात करें इसके कीबोर्ड एंड राइटिंग एक्सपीरियंस की, तो इसमें हमको मिलता है चिकलेट कीबोर्ड, जिसमें बैकलिट रेड लाइटिंग भी अवेलेबल है। एंड अगर आप लाइट नहीं भी जाओगे फिर भी आपको रेड एक्सेंट्स पीछे की तरफ मिल जाता है। तो राइटिंग एक्सपीरियंस इज़ नॉट वेरी बैड, ऑफकोर्स चिकलेट कीबोर्ड है, तो जो लोग मैकेनिकल यूजर्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो ज़रूर सकता है, मगर यार आई वुड से इट्स अ रियली गुड कीबोर्ड। एंड मैं एक और चीज़ स्पेसिफाई ज़रूर कर दूँ कि इसके कीबोर्ड के बारे में, कि बैकलेट जो है उसकी कलर चेंजेबल नहीं है। इसके दूसरे मॉडल्स भी आते हैं, जैसे DT, DY एंड एक और है शायद, मेरे को उसका मॉडल पता नहीं है, लेकिन उनमें वो हायर वर्जन है इसके, एंड उसका प्राइस अराउंड 6 to 7,000 ज़्यादा होता है। उनमें थोड़ा ग्राफिक कार्ड भी बेटर होता है, तो अगर आपको थोड़ा ग्राफिक कार्ड बेटर चाहिए एंड उसका जो बैकलिट कीबोर्ड है उसके कलर चेंजेबल होते, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप जा सकते हो उस हायर मॉडल का। आई थिंक मेरे लिए ये परफेक्ट था।
अगर आप लोग वीडियो तक अभी भी बने हुए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज आई एम वेरी क्लोज टू 800 सब्सक्राइबर्स एंड लाइक भी कर दो यार। गोल रखते 50 लाइक का, मैं ज़्यादा नहीं रखने वाला, तो प्लीज़ कर दो यार, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ये सबसे। अब बात कर लेते इसके मेन पर्पज़ की, जिसके लिए लोग इस वीडियो में आए हैं, दैट इज़ गेमिंग एंड किस तरह की गेमिंग परफॉर्मेंस करवाता है। तो बात करूँ, मैंने इसमें ज़्यादा गेम्स तो ट्राई नहीं किया, बट रिसेंटली जितने गेम्स लोग खेल रहे हैं जैसे फोर्टनाइट, वैलोरेंट एंड सीएसगो, मैंने ये तीन गेम्स ट्राई करे। तो अगर बात करें FPS की, तो सबसे पहले देखो मैं बता दूँ, फोर्टनाइट काफ़ी हैवी गेम है, तो यार उस पर FPS ज़्यादा मिलना थोड़ा टफ होता है, लेकिन आई वुड से ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपको 60 FPS दिला सकता है। अब सच बताओ तो फ्लक्चुएशंस होंगे यार, क्योंकि 50,000 का लैपटॉप है यार, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। तो यार 60 FPS मिल जाएंगे, लेकिन फ्लक्चुएशन में कभी कभी थोड़ा लो चला जाता है, बट यार इट्स प्रीटी नॉर्मल फॉर फोर्टनाइट बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी गेम। उसके बाद अगर बात करें CSGO की, तो CSGO लेकिन मैं कंपेरेटिवली फोर्टनाइट से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा लाइट गेम है। तो यार उसमें आपको इजीली 70 टू 80 FPS मिल जाएंगे, वो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे। अब अगर अपनी सेटिंग्स के साथ आप चेंज करते हो तो शायद FPS माइट वैरी, लेकिन मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स सबको स्ट्राइक किया, मोस्ट ऑफ द पीपल प्ले एट दो सेटिंग्स, तो यार आपको मिल जाएंगे 70 टू 80 FPS। अब अगर बात करें न्यूली रिलीज गेम की जैसे वैलोरेंट, तो मैं कहूँगा वो काफ़ी मॉडरेट गेम है, जो ज़्यादा पावर भी नहीं खाती लेकिन बहुत कम भी नहीं खाती, क्योंकि यार नया गेम है यार, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। तो उसमें भी मैं आपको कहूँगा अराउंड फोर्टनाइट के आसपास ही मिल जाते हैं FPS, कभी कभी ज़्यादा भी चले जाते हैं, लेकिन फ्रेम ड्रॉप्स अवेलेबल हैं। तो यार सच बताऊँ तो यार 50,000 का लैपटॉप है, यू कांट एक्सपेक्ट मोर देन दिस, 60 FPS मिल रहे, दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड यार मेरे को पता नहीं ये पॉइंट इंक्लूड करूँ कि नहीं करूँ यार, लेकिन ब्राउजिंग तो यार सारे लैपटॉप्स में अच्छी हो जाती है, बहुत मक्खन चलता है यार उसमें, कुछ ऐसे मैं नेगोशिएशेबल बात ही नहीं है यार, बड़ा सही चलता है ब्राउजिंग में, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, जस्ट क्वाइट गुड। अब एक और मेन चीज़ के बारे में जो काफ़ी लोग लैपटॉप को देख के लेते हैं, दैट इज़ द बैटरी लाइफ। अब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत इंप्रेसिव बैटरी लाइफ है इसकी, लेकिन मैं कहूँगा ठीक ठाक है, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते एंड यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ चार्जिंग लाइक द बैटरी एफिशिएंसी फॉर अ लैपटॉप, देन आई वुड सजेस्ट यू कैन गो फॉर दिस लैपटॉप, क्योंकि इसकी अराउंड 5.5 आवर्स की बैटरी लाइफ है, तो आई वुड से इट्स प्रीटी एवरेज, बट यार डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन यूज़ क्या है उनका। अब पर्सनली मैं तो घर पे बैठ के ये सब यूज़ करने वाला हूँ, तो मेरे लिए तो यार बैटरी लाइफ ज़्यादा मैटर करती नहीं, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ आसपास पोर्ट्स रहते हैं, आई कैन जस्ट प्लग इट इन एनी टाइम। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी, एंड इफ इट हेल्प्ड आउट मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब यार, इट विल रियली हेल्प मी आउट एज वेल। तो यार वीडियो आज के लिए इतना ही है, आप चाहते हो मैं ऐसे और अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ वीडियोज़ लाऊँ तो यार बता दो कमेंट सेक्शन में, एंड आज के लिए बस इतना ही यार, सी यू गाइस लेटर, पीस आउट।